नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट में। और इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि अब तक जिस भी पार्टी ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो और चाहे एनसीपी हो, सभी ने अभी तक महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर के बिल्कुल ड्रामा ही किया है। किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि इन पार्टियों द्वारा नहीं की गई है। जिस तरह से खबर ये मिल रही है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खबर ये मिल रही है कि कल जिस तरह से कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने मीडिया में फैलाया कि सोनिया गांधी ने शिवसेना के साथ गठबंधन करने के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन ये सिर्फ एक झूठ फैलाया गया मीडिया के अंदर। किसी अब ये कांग्रेस का ये कहना है कि अब तक हमारे किसी प्रवक्ता ने या फिर कांग्रेस के किसी भी नुमाइंदे ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि हमने जो शिवसेना के साथ गठबंधन करने के लिए अपने नेताओं को हरी झंडी दे दी है। ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ दोस्तों, जिस तरह से मीडिया के अंदर न्यूज चलाई गई वो सिर्फ इसलिए चलाई गई ताकि शरद पवार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को सुनने के बाद शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लालच में आकर के, किसी पद के लालच में आकर के उनकी हाँ ना भरे, सिर्फ इसलिए ये चलाया गया। उसके बाद संजय राउत का जो बयान आया वो भी काफी चौंकाने वाला था कि एनडीए से हमने कोई ऑफिशियली अलग होने की बात है वो नहीं की है, यानी ऑफिशियली कोई कार्रवाई है वो एनडीए से अलग होने की नहीं की है। अब इसका कहां क्या अंदेशा लगाया जाए, निश्चित तौर पर संजय राउत के बयानों से लग भी रहा है कि अब जो शिवसेना है वो घर वापसी की तैयारी है वो पूर्ण कर चुकी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए शिवसेना तैयार है। बस अब देर है तो सिर्फ इशारे की कि कब भी जो इशारा मिलता है और शिवसेना है वो वापिस घर लौट जाती है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी खबर निकल कर आई थी कि शरद पवार को 3 केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रपति पद की जो सिफारिश, नाम की सिफारिश का ऑफर शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में ये जो पूरा ऑफर है वो दिया गया था, क्योंकि कल आधे घंटे से ज़्यादा लंबी मुलाकात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शरद पवार के बीच में हुई थी। ऐसे में माना जा रहा था कि यहाँ जो बीजेपी ने बड़ा ऑफर है वो शरद पवार को दे दिया और मीडिया में खबर भी अच्छी चली थी कि इस तरह का ऑफर है वो बीजेपी ने शरद पवार को सौंप दिया है, लेकिन अब बीजेपी ने भी बोल दिया है कि इसकी हमने कोई आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं की है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि हमने किसी तरह का ऑफर है वो शरद पवार को दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सत्ता बस शिवसेना के इर्द गिर्द घूम फिर करके वहीं पर आ जाती है वापस। और शिवसेना का जो बार बार संजय राउत का कहना, कभी बोलते हैं कि शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म लगेंगे, कभी बोलते हैं कि एनडीए किसी के बाप की जागीर नहीं है, कभी बोलते हैं कि एनडीए से अलग होने के लिए हमने कोई ऑफिशियल कार्रवाई है वो नहीं की है, हम कभी भी लौट सकते हैं। अब क्या अंदेशा लगाया जाए इस बात का, जहां दूसरी तरफ देखा जाए तो सोनिया गांधी के कहने पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपने सिद्धांतों के साथ जो खिलवाड़ किया है उसको लेकर के शिवसेना के विधायकों में जरूर जो बगावत है वो देखी गई है। मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी बताया था कि शिवसेना के विधायक एक होटल के अंदर, बंद होटल के अंदर आपस के अंदर भीड़ पड़े थे, मारपीट तक उनमें हो गई थी और पहले आदित्य ठाकरे उनको समझाइश करने के लिए पहुंचे और बाद में जो उद्धव ठाकरे को खुद वहां समझाइश करने के लिए जाना पड़ा होटल में, और फिर भी वो बात है वो नहीं बनी थी। माना जा रहा था वहां पर कि कुछ विधायक ऐसे थे जो हिंदुत्व के सिद्धांतों के साथ थे और कुछ विधायक ऐसे थे जो हिंदुत्व के सिद्धांतों के विपक्ष में थे, यानी कुल मिलाकर कुछ विधायक उद्धव ठाकरे के साथ थे तो कुछ विधायक चाहते थे कि हम हिंदुत्व के सिद्धांतों को त्यागना नहीं चाहते हैं। वहीं शिवसेना से एक बगावत की बड़ी खबर जरूर निकल कर आई है कल से। कल 17 जो विधायक हैं शिवसेना के, उन्होंने निश्चित तौर पर शिवसेना की खिलाफत का चोला है वो पहन लिया है। इसका बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं कि शिवसेना के एक विधायक ने
उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए 17 लगभग विधायक थे, ये टोटल मातोश्री पहुंचे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। और उनके सवाल यही थे कि जिस तरह से हमने हिंदुत्व के सिद्धांतों को त्यागेंगे तो आगे ये जो हो रहा है ये मतलब शिवसेना के लिए भी घातक होगा, अच्छा नहीं होगा, और दूसरी बात हमारे कैरियर पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, और हम जनता जनार्दन में किस तरह से जाकर के मिले, मतलब जिस तरह से हमने जिनके विरोध में जो चुनाव लड़ा, जिनके सामने चुनाव लड़ा, जिनको मैंने हराया, हमने हराया, और उन्हीं के गोद में हम जाकर के बैठ गए हैं, तो हम सिद्धांतों के साथ किस तरह से बात करें। ऐसे कुछ सवाल लेकर के ये 17 विधायक हैं शिवसेना के, वो मातोश्री पहुंचे थे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। लेकिन पता नहीं उद्धव ठाकरे को कौन सा घमंड है, कहाँ की कौन सी दुनिया में वो रह रहे हैं, पता नहीं उन्होंने जो सीएम पद की कुर्सी का सपना देखना अभी तक छोड़ा नहीं है। तो मातोश्री के अंदर उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे क्योंकि इन सवालों को लेकर के वो किसी तरह की चर्चा है नहीं करना चाहते थे, इसलिए उद्धव ठाकरे मातोश्री नहीं पहुंचे। और उद्धव ठाकरे के मातोश्री ना पहुंचने पर निश्चित तौर पर उन सभी विधायकों ने स्पष्ट बोल दिया कि हम हिंदुत्व के सिद्धांतों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। 17 विधायक हैं टोटल शिवसेना के अंदर जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, और इस तरह की चेतावनी उन्होंने उद्धव ठाकरे को दे डाली है। और जिस तरह से जो मातोश्री के अंदर कल घटना हुई है कि उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आए लेकिन वो अपने घमंड के चलते और मुख्यमंत्री कुर्सी की सपने को देखते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे ने उन विधायकों से मिलने को मना कर दिया, तो निश्चित तौर पर जो इन 17 विधायकों ने बगावत का चोला पहनकर जो बगावत का जो झंडा है वो गाड़ दिया है। और दूसरी बात, उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले ये ऐलान करवाया था अपने सभी 56 विधायकों के लिए कि वो 22 नवंबर को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के मातोश्री पहुंचे, और वो भी 5 दिन रहने के कपड़े साथ लेके आए, यानी 5 दिन का ताम रहने का तामझाम है वो होना चाहिए। और नॉर्मल सी बात है कि अब उद्धव ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि वो अपने विधायकों में जो भारतीय जनता पार्टी है वो सेंध लगा सकती है, और इसी कारण इन अपने विधायकों को बुला करके कहीं दूर भेजना चाहती है, हो सकता है किसी होटल में बंद रखे या कहीं भी रखे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 56 विधायकों में से अगर 15-20 विधायक ना आए या वो 17 विधायक ना आए तो शिवसेना के ऊपर क्या बीतने वाली है ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं। बौखला गई है शिवसेना, जो हिंदुत्व के सिद्धांतों के साथ किसी तरह का समझौता है वो करने को चली है, लेकिन निश्चित तौर पर जो शिवसेना के विधायक हैं वो हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से ये ज्ञान है कि यदि उन्होंने हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ा तो उन्हें वीर सावरकर के विपक्ष में भी खड़ा होना होगा, और ये सिटीजन बिल है इसके विपक्ष में भी खड़ा होना होगा। तो निश्चित तौर पर जो शिवसेना के विधायक हैं वो इसके पक्ष में नहीं है, और इस सिटीजन बिल और ये जो वीर सावरकर को भारत रत्न दिलवाने के मामले में विपक्ष में खड़ा भी नहीं रहना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उनका करियर है वो खत्म हो सकता है यदि वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो अब शिवसेना के पास किसी तरह का कोई चारा बचा नहीं है, एक रास्ता शिवसेना का घर वापसी के लिए जाता है यानी बीजेपी के लिए जाता है, और दूसरा रास्ता अपने अपने घर बैठ करके आराम से जो महाराष्ट्र की सत्ता का खेल देखने का जाता है। तो अब शिवसेना कौन सा कदम उठाएगी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे तो निश्चित तौर पर सोनिया के कहने पर बोलते हैं, सोनिया के कहने पर चुप रहते हैं, सोनिया के कहने पर फैसले लेते हैं, और निश्चित तौर पर अब सोनिया के कहने पर किसी न किसी दिन उद्धव ठाकरे है वो अपने भंगवा झंडा को बदल करके हरा झंडा लगा देंगे। और हरा झंडा क्यों लगा देंगे और हरा झंडा क्या है ये तो आप बखूबी जानते हैं कि कौन सा हरा झंडा किसका है, और निश्चित तौर पर ऐसा हो भी सकता है। फिलहाल आप हमें बताइए कि जो पिछले तीन चार दिन से लगभग जो महाराष्ट्र की सत्ता में गड़बड़ हुई है, जिस तरह से जो न्यूज आ रही है मीडिया पर, ये सच्ची है या फिर वाकई में इनमें झूठी है, कोई थोड़ी बहुत सच्चाई भी है या फिर पूरी तरह से झूठ है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इनके किसी के द्वारा इन पर नहीं की गई है।
साथ ही हमारे इस वीडियो आज के आप अपने विचार है वो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।